to me these days. Well, hello guys, this is Saurabh back with the video and this is day 3 of Shillong series. Already 2 vlog upload ho chuke hain. नहीं देखे तो जाके देखो और बताओ कैसे है। ऊपर नीचे हर जगह लिंक डाल रखे हैं, जाके जरूर देखना एक बार, ठीक है। जो आज का व्लॉग था, हम एक नहीं दो नहीं तीन जगह गए। सबसे पहले गए हम स्वीट फॉल, सो वेल कल अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख पाए सेवन सिस्टर फॉल्स क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फॉग हो रहा था। बट टुडे आई प्रेजेंट यू अनदर ब्यूटी इन शिलोंग। तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप व्यू देखोगे तो आप खुद बोलोगे। सो आई प्रेजेंट यू स्वीट फॉल। शिलोंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव एवर बीन बिकॉज यार यहाँ पे सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे अभी मैंने पढ़ा है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी गार्बेज करते हो तो आपको चार्ज करा जाएगा 1000 rupees। मतलब और सीरियसली देखो, आपको यहाँ पे कहीं भी कोई गंदगी नहीं मिलेगी, यू वॉन्ट फाइंड एनी लिटर हेयर। देखो यहाँ पर डस्टबिन है, वहाँ भी डस्टबिन है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। एंड ऑल्सो द व्यू इज इनसेन। After the view of sweet fall, it was time to hit the road and हम गए Dawki. Dawki is one of the most famous places in Shillong. चलते हैं, निकलते हैं अपनी नई destination की तरफ। So well, after a long journey, we have reached to Dawki River. It's a tropical region type place. And जो आपको पीछे पेड़ दिख रहा है ना, ये नॉर्मल पेड़ नहीं है, ये पता है किस चीज़ के पेड़ है? सुपारी का पेड़ है। सुपारी होता है ना यहाँ पे, बहुत फेमस है सुपारी। यहाँ पे लोग पान और सुपारी खाते हैं, पता है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको हर एक बंदे का यहाँ पे मुँह लाल दिख सकता है। देखो आपको दिखाता हूँ पेड़। और अब हम करेंगे बोटिंग। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्लियर वाटर पर, लेकिन पानी यहाँ पे क्लियर नहीं है क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी, इसलिए पानी थोड़ा कम क्लियर है। मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं बोलेंगे, कोई ना, हमारा लक इस बार इतना अच्छा नहीं है शिलोंग में। देखो पानी थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट तो है, ऐसे नहीं बोल सकते कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। वेल इट इज़ टाइम टू डू सम स्विमिंग। रिक्की और मैं जा रहे हैं स्विमिंग के लिए। अब आपको मिलने वाले ऑसम पानी के शॉट, भी ट्रांसपेरेंट। ओ
Dawki was full of fun after swimming of about 15 minutes. थक तो चुके थे हम, तो उसके बाद हम निकले अपने घर की तरफ. But यहाँ था एक twist. Twist ये है कि हमें नहीं पता था, but we were in Bangladesh. मतलब officially in Bangladesh. And वहाँ इंडिया है कहीं. देखो ये जितने भी हैं ना सारे बांग्लादेशी पीपल्स हैं आसपास. मतलब टूरिस्ट भी है काफ़ी, बट बांग्लादेशी भी काफ़ी है. मतलब डिफरेंस देखो, इंडिया इंडिया बांग्लादेश एंड बांग्लादेश. ये रहा इंडिया एंड मैं इंडिया में हूँ, रिकी अभी बांग्लादेश में है. वाओ, मतलब अभी पता चला मैं यहाँ के लोकल से. सो आज का सबसे ज़्यादा मस्त एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि मैं दो कदम चल के सीधे बांग्लादेश पहुँच गया. काफ़ी ज़्यादा मिक्स कल्चर है, फील नहीं होता कि यू आर इन इंडिया. तो देखो यार, तीन दिन हो गए मैंने आपको बिल्कुल नहीं बताया यहाँ के बारे में, शिलोंग के बारे में. बेसिकली यहाँ ट्राइब्स होते हैं, पहला है खासी, दूसरा है गारो, तीसरा जैनकिया. ठीक है, तो ये तीन ट्राइब यहाँ पे बेसिकली ये रहते हैं. तो यार मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लिया खासी ट्राइब का, तो मतलब मज़ा आया यहाँ पे. यहाँ का फूड बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, मतलब आपको इतनी अच्छी वैरायटी मिलेगी बिटवीन नॉन वेज एंड वेजिटेरियन. अगर आप वेजिटेरियन खाओगे तो आपको यार इतना प्यारा फूड मिलेगा, नॉन वेज खाओगे तो भी प्यारा फूड मिलेगा. मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फूड है यहाँ का. यहाँ का जो कल्चर है बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग आपको बहुत ही पोलाइट तरीके से ट्रीट करने वाले हैं. बट हाँ, इट्स अ एक्सपेंसिव प्लेस टू ईट टू शॉप, तो ये बात यार आपको देख के चलनी पड़ेगी. सो आफ्टर ऑल दिस इट वॉज टाइम टू गो होम एंड आई होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया है. कमेंट जरूर करना, क्योंकि यार कमेंट से पता चलता है कि वीडियो कैसी बनी है. अगर पसंद नहीं आ रही है तो कोई ना, हेटफुल कमेंट भी अच्छे लगते हैं, पर कमेंट जरूर करो. ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. दैट्स सौरभ साइनिंग आउट. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try no.